अमिताभ बच्चन द्वारा होस्ट किए गए लेटेस्ट एपिसोड में उत्तर प्रदेश के उरई के रहने वाले ऋषि शर्मा से 1,60,000 रुपए के लिए सवाल पूछा गया, जो कि महाभारत से जुड़ा हुआ था, लेकिन वह इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए और 80,000 रुपए के साथ गेम खत्म करने का फैसला किया। बता दें कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड में ऋषि शर्मा और भावना राजपुरोहित जल्द ही फाई में पहुंचे, जहां दोनों का आमना सामना हुआ और ऋषि हॉट सीट के लिए बाजी मार ली। इसके बाद होस्ट अमिताभ बच्चन ने एक के बाद एक सवाल किए और ऋषि शर्मा 1,60,000 रुपए के सवाल पर पहुंचे, जो कि महाभारत से जुड़ा हुआ था। सवाल यह था कि महाभारत में कांपिल्य इनमें से किस राजा की राजधानी थी। इस सवाल के लिए चार ऑप्शंस थे, शकुनी, द्रौपद, जयद्रथ या कर्ण। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी द्रौपद था, लेकिन ऋषि शर्मा ने इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए और उन्होंने 80,000 रुपए की धनराशि जीतते हुए शो छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद जब बिग बी ने उनसे एक उत्तर चुनने के लिए कहा तो उन्होंने द्रौपद नाम लिया, जिसे सुनकर बिग बी बोले, अरे भाई साहब, खेलते तो ये सही होता। द्रौपद के पिता और पांचाल के राजा द्रौपद कांपिल्य से शासन करते थे। दोस्तों, ऋषि शर्मा के लिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।